Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin presentation 15, verifying facts and opinion. Haqaiq aur opinion ki tasdeeq karna, page number 62 hai. To verify facts and opinion in the present tense statement, use take question with do and does. Do aur does ke saath take question use kar lo jab aap ओपिनियन के जब आप प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट की किसी बात की वेरिफिकेशन करते हैं. सो एज़ यू नो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरीफाइंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन एंड ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट द टेक क्वेश्चन और क्वेश्चन टेक. हियर द फर्स्ट एग्जांपल इज the apartment doesn't look very good, does it? The apartment doesn't look very good, does it? ये apartment या building बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है. क्या दिखाई देता है? तो B जवाब देता है, no it doesn't, I don't like it. नहीं, ये नहीं दिखाई देते हैं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ. Expected response यही है. और दूसरा ये सेट डज, हाँ ये अच्छा दिखाई देता है. ये अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस है, यानी गैर मुतवक्के और मुतवक्के रिस्पांस. तो ये आज हम डिस्कस कर लेंगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस. नंबर टू, बी कहते हैं द ओनर डजंट रिक्वायर अ लीज, डू दे? द ओनर्स जो मालकान हैं उनको लीज की ज़रूरत नहीं है क्या? है सो नो दे डोंट, नहीं उनको ज़रूरत नहीं है. ये एक्सपेक्टेड और मुतवक्के जवाब है. और ओ येस दे डू, हाँ उनको ज़रूरत है लीज की. तो ये अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस है. सी नंबर अगेन कहते हैं, यू लाइक दिस प्लेस डोंट यू? आई श्योर डू, इट्स टेरिफिक. आप इस जगह को पसंद करते हो क्या? नहीं, तो यकीनन मैं इसे पसंद करता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है. एंड डी नंबर से, द अपार्टमेंट हैज़ 3 bedroom, डजंट इट? इस अपार्टमेंट में तो 3 bedroom है क्या? नहीं है. नो इट डजंट, ओनली 2, सिर्फ इसमें 2 bedroom है. सो दैट वाज द मेन प्रेजेंटेशन. एज यू नो डियर स्टूडेंट, दैट अटैच क्वेश्चन इज आल्सो कॉल्ड अटैच क्वेश्चन. द सेकंड नेम इज कॉल्ड अटैच क्वेश्चन. एंड वी यूज अटैच क्वेश्चन पावर्ट फॉर कन्फर्मेशन, फॉर अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट और डिसकन्फर्मेशन. यानी जब हम किसी बात की तस्दीक हो जाती है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, इसी कन्फर्मेशन के लिए. और अग्रीमेंट के, दूसरा आदमी मेरे साथ मुतफिक है या मुतफिक नहीं है किसी भी बात में, किसी भी अंदाज में. और डिसअग्रीमेंट मीन मुतफिक नहीं है मेरे साथ कोई दूसरा आदमी. तो इसके लिए हम टेक क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं. और हमने पिछले सबक में डिटेल से बताया था, यहाँ पर शॉर्ट बयान कर लेंगे कि टेक क्वेश्चन के आम तौर पर 2 हिस्से होते हैं. एक स्टेटमेंट बयान होता है और दूसरा टेक क्वेश्चन होता है, राइट? एक बयान होता है और दूसरा टेक क्वेश्चन होता है. दूसरा जो है बात जो है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टेक क्वेश्चन फिर पॉजिटिव होगा. दूसरी खूबी इसकी ये है. तीसरी ये है कि सेम टेंस इज यूज्ड इन बोथ पार्ट्स, एक ही टेंस दोनों हिस्सों में इस्तेमाल होते हैं. मतलब अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में हो तो टेक क्वेश्चन भी प्रेजेंट में होगा, दोनों का टेंस एक होगा. और अब चौथा रूल्स ये है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन टेक क्वेश्चन. यानी टेक क्वेश्चन में दूसरे हिस्से में हमेशा प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, नाउन इस्तेमाल नहीं होते हैं. ही, शी, एट, यू, वी, दे वगैरह इस्तेमाल होते हैं. और एक और रूल जो है, कंट्रैक्शन फॉर्म इज़ यूज्ड इन टेक क्वेश्चन. जब अगर मनपी जुमले हो, टेक क्वेश्चन मनपी हो, तो इज़न्ट ही, आंट दे, आंट आई, आंट वी, राइट? वजंट ही, वरंट दे, एक्सेट्रा. इसी तरह कंट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल होगा. और हमने ये भी बताया था कि स्टेटमेंट और टेक क्वेश्चन के दरमियान एक कॉमा लगाया जाएगा. और ये भी एक रूल है कि अगर स्टेटमेंट दिस या दैट से शुरू होता हो तो टेक क्वेश्चन में उधर इट लगाया जाता है, और अगर स्टेटमेंट दीज या दोस से शुरू होते हो तो वहाँ पर दीज दोज दे को चेंज होती है.
अभी ये बार बार यहाँ पर आता है कि एक्सपेक्टेड आंसर क्या है और अनएक्सपेक्टेड आंसर क्या है, तो ये भी आप जरा ट्राई टू लर्न व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड इन टेक क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख लो, सपोज बिलाल रिसाइट द होली कुरान, बिलाल रिसाइट्स द होली कुरान, द होली कुरान, और डजंट ही द बिलाल रिसाइट द होली कुरान, डजंट ही, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता है? तो यहाँ मेरा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, मैं आपसे तवक्को ये करता हूँ, क्या ये जुमला मसबत है? तो यहाँ पर ये तो मसबत है, तो मेरा आपसे तवक्को ये है कि आप मुझे मसबत जवाब देंगे। बिलाल रिसाइट द होली कुरान, डजंट ही, तो अगर आप मुझे कहें कि येस ही डज, येस ही डज, येस ही डज, तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है। कौन सा आंसर है? एक्सपेक्टेड आंसर है, क्योंकि मेरा भी तवक्को यही था, क्योंकि यहाँ मैंने मसबत जुमला बयान किया। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि नो ही डजंट, नो ही डजंट, वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड आंसर है। कौन सा आंसर है? अनएक्सपेक्टेड आंसर है, क्योंकि मेरा तो तवक्को ये था कि वो कुरान मजीद की तिलावत करता है लेकिन वो नहीं करता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड आंसर है। इसी तरह मनपी जुमलों में भी यही है, मनपी जुमलों में भी इसी तरह है। हाँ, इसी तरह अगर कोई जुमला नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें स्टेटमेंट नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल यू डोंट प्ले क्रिकेट, डू यू, आप तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या आप खेलते हैं? तो यहाँ मनपी जुमला मनपी है, तो मेरा तवक्को आपसे यही है कि आप मुझे भी मनपी अंदाज में जवाब देंगे, नो वी डोंट, नहीं हम नहीं खेलते हैं क्रिकेट, तो ये एक्सपेक्टेड आंसर आपने कहा। मेरा जो तवक्को था इसी ही के मुताबिक आपने मुझे जवाब दिया। और अगर आप ये जवाब दे के येस वी डू, यू डोंट प्ले क्रिकेट, डू यू, येस वी डू, हाँ हम खेलते हैं, आप कहते हैं कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन हम खेलते हैं, तो येस वी डू जब आ जाए तो ये एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड आंसर होगा। मेरा तो तवक्को ये था कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन आप खेलते हैं, मतलब स्टेटमेंट के मुताबिक अगर जवाब आ जाए तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है। मतलब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और जवाब भी पॉजिटिव आ जाए तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो और जवाब भी नेगेटिव आ जाए तो ये भी एक्सपेक्टेड आंसर है। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो और जवाब पॉजिटिव आ जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड आंसर है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और जवाब भी पॉजिटिव हो तो ये एक्सपेक्टेड है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और जवाब नेगेटिव में आ जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो और जवाब भी नेगेटिव में आ जाए तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो और जवाब पॉजिटिव में आ जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड आंसर है। नाउ यू अंडरस्टूड दिस वन? या सो दैट्स अबाउट द टेक क्वेश्चन, एंड व्हेन द टेंस इज इन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, सो देन यू विल यूज प्रेजेंट एंड डेफिनेट एज वेल। लेट्स डू द एक्सरसाइज क्विकली। नंबर वन, वी हैव टू मेक द टेक क्वेश्चन विद दीज, प्रैक्टिस 16 में। द प्लमिंग वोक्स ओक है, डजंट इट, डजंट इट, वोक्स है। द सेकंड वन, यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद द प्लमिंग, डू यू, यू डोंट हैव, स्टेटमेंट मनपी है, सो डू यू क्या है? तो येस वी डू या नो वी डोंट हम जवाब देंगे, आप मुझे जवाब दे दें। द अप्लायंसेज बिलोंग टू द प्रेजेंट टेनेंट, आंट दे, येस दे आर, हाँ ये है राइट, या द अप्लायंसेज बिलोंग टू द प्रेजेंट टेनेंट, डोंट दे, येस दे डू, डोंट दे इज करेक्ट, आंट दे इज नॉट करेक्ट, क्योंकि टेंस सेम टेंस हमने इस्तेमाल करना है। फोर्थ नंबर है, द रेंट डजंट इंक्लूड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, डज इट, नो इट डजंट, या येस इट डज, जो भी आप जवाब दे दें। फाइव नंबर, यू रिक्वायर अ लीज, डोंट यू, येस वी डू, वी हैव टू साइन अ लीज, डोंट वी, येस वी डू, यू डोंट हैव एनी अदर अपार्टमेंट, डू यू, नो वी डोंट, गुड, यू टेक चेक्स, डोंट यू, येस वी डू, द सेलिंग डजंट लीक, डज इट,
yes it does, yeah, no it doesn't, no it doesn't. Next one, we have to play a security deposit, don't we? Yes, we do. Good. So in this way, dear student, you will talk about the take question in detail. The next activity is also just like that. For example, good apartment. The store looks brand new, doesn't it? It sure does. Not a scratch on it. The second one. This place doesn't have much light, does it? It sure doesn't. It's like night. Good. It sure doesn't. It likes night over here. तो इसी तरह take question है और summary ये है कि when the take the statement is in present indefinite tense, the take question will also be in present indefinite tense. You will use do or does, don't or doesn't over there. I hope you will have learned this one. Try to watch it again and again and try to share with all your near and dear one and don't forget to remember me in your prayer. I love you all. Thank you so much. Khuda Hafiz.